हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। साथ ही में आप लोग काफी फिट और हेल्दी भी होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास है सुजुकी अवनिस 125, जो कि हाल ही में सुजुकी ने लॉन्च किया है बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ। और जो इसका स्टाइल, लुक और पर्सनली ये ग्रे कलर है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से कवर करेंगे, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में क्या प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी 2022 में। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप कोई भी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल जुड़े अपडेट मिस नहीं कर पाए, साथ ही में हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए। फ्रंट हैंडल बार से स्टार्ट करेंगे तो आपको बॉडी इंटीग्रेटेड क्लियर लेंस टाइप बल्ब सेटअप में टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और कुछ कुछ जो इसका रिजेम्बलेंस है, नो डाउट टीवीएस सेंटॉर्क 125 से मिलता जुलता मिलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा आपको कैसा लग रहा है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो जैसे कि आप बॉडी देख पा रहे होंगे, मैट ग्रे और पियानो ब्लैक फिनिश का कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही में फुल्ली एलईडी फंक्शन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, आपको एयर इनटेक के लिए फ्लो देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनटेक वेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो कि गाड़ी के जो परफॉर्मेंस है, गाड़ी की स्टेबिलिटी है रोड पर, उसको सही रखते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर टायर साइज की बात करें तो फ्रंट टायर साइज आपको 90x90 का R12 यानी कि 12 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील वेरियर टायर देखने को मिलता है। और ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करें गाड़ी की तो काफी ज्यादा स्पोर्टी है, नो डाउट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। और दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी के। जैसा कि आप साइड पैनल देख पा रहे होंगे, गाड़ी के लुक को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। और पर्सनली मुझे ग्रे कलर इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है इन रियल, आपको जब सामने से देखेंगे तो आपको पहली नजर में पसंद आ जाएगा। और भी कलर वेरियंट्स है, जैसे कि रेड है, व्हाइट है, साथ ही में ब्लू है, रेस एडिशन है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो वन बाय वन मैं आपको चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। फुटबोर्ड प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कंपनी ने यूज करी है। मल्टी फंक्शन की लॉक देखने को मिल जाता है, साथ ही में आप जैसे कि चेकआउट कर पा रहे हैं मोबाइल होल्डर विद चार्जर देखने को मिलता है। तो आपको जो चार्जर है वो एसेसरीज का पार्ट है, तो आप उसको अप्रोक्स 600-800 के बीच पे कर लगवा सकते हैं। बाकी मोबाइल होल्डर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। अगर इसके फ्रंट के हैंडल बार की बात करें तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एक्सेस 125 या फिर बर्गमैन 125 वाला ही मिल रहा है। तो आपको फुल इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले मिलेगा मोबाइल एक्स कनेक्टिविटी फीचर के साथ। सुजुकी के ऐप के थ्रू आप जितनी भी कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर पाएंगे अपने मोबाइल ऐप में, तो मुझे काफी ज्यादा सही लगा। अगर सीटिंग की बात करें तो जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, सीटिंग काफी अच्छी है, आपको यूनिबॉडी हाई स्लाइटली हाइटेड पिलियन सीट देखने को मिल रही है। साथ ही में जो एवनिस की बैजिंग है वो और भी ज्यादा अमेजिंग लग रही है डार्क कलर में, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है ये इसका कलर वेरियंट, इस गाड़ी को और भी ज्यादा अग्रेसिव बना रहा है, और भी ज्यादा स्पोर्टी बना रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंपनी ने सीट और जो बॉडी कलर का कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा रखने की कोशिश करी है, तो एक स्मूथ फिनिश, सेटल फिनिश दे रहा है गाड़ी के लुक को, काफी ज्यादा मुझे अमेजिंग लगी ये चीज। दोस्तों, आपको किक स्टार्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 125 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 8.7 पीएस की पावर जनरेट करता है 6750 आरपीएम पर, और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 5500 आरपीएम पर। BS6 एमिशन वाला इंजन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो पावर और टॉर्क जो है आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझे पावर में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। अगर इसका टफ कॉम्पिटिशन टीवीएस के एंटॉर्क से है, काफी पावरफुल इंजन है एंटॉर्क का भी, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इससे बेटर रहने वाला है। अगर साइड रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको जो है डुअल साइड जो है आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाता है एलईडी सेटअप में, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। साथ ही में आप टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो मोटो स्टाइल जो है आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे क्लियर लेंस टाइप बल्ब सेटअप में। अगर दोस्तों एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, टीवीएस एंटॉर्क में जो फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कराती है, नो डाउट वो भी अपने प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इसका टफ कंपटीशन जरूर रहेगा एवनिस 125, क्योंकि इसका लुक, डिजाइन और पर्सनली ये इसका ग्रे और ब्लैक का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 90x100 का R10 यानी कि 10 इंच का जो है टायर प्रोफाइल देखने को रियर में आपको मिलने वाला है, तो 12 इंच का फ्रंट में और जो है 10 इंच का रियर में। तो गाड़ी की जो एक पोजीशन है या फिर कह लीजिए गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है रोड में,
तो वो आपको काफी सेटल देखने को मिलेगी और रेनी सीजन में आपको स्किड भी नहीं मिलेगी, तो एक जो गाड़ी का बैलेंस है वो बना रहेगा और काफी ज्यादा सही लगेगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है आप ये आवनिस 125 खरीदना चाहेंगे या नहीं। और दोस्तों प्राइस सेगमेंट की अब बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 87,100 रुपीज, RTO इंश्योरेंस बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने में आपको कंप्लीट गाड़ी ऑन रोड 101,000 रुपीज पड़ जाएगी, यानी कि 101,000 रुपए की। ये मैंने आपको एस्टिमेटेड प्राइस बताया है, बिल्कुल करेक्ट प्राइस जो है आपकी नियर बाय सुजुकी डीलरशिप पर ही पता चलेगा। और अगर आप इसका रेस एडिशन लेते हैं जो कि तकरीबन आपको 1200 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसमें जो आपके ग्राफिक्स वगैरह हैं वो चेंज हो जाएंगे, थोड़ा रेस फिनिश में आ जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा आपको कैसी लगी नई एस 125 और आप इसको खरीदना चाहेंगे या नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल या स्कूटर के अपडेट के साथ।